वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हैप्पी संडे। और आज है घर में मिलाद, मेहमान भी आ गए हैं, लेकिन इन साहब की सुस्ती ख़त्म नहीं आ रही है। देखो कैसे पड़े। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? इतने काम है आज इनको, इसलिए आराम से सुस्ता के पड़े हुए। एक बार उठ गए तो ऑब्वियसली फिर लेटने का बैठने का टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, तभी उनके पाव सुबह हो गई है और इतना शोर हो रहा है सुबह से। मच्छी मार्केट बनी है। मच्छी मार्केट की ओनर तुम हो ना? मच्छी मार्केट के ओनर मैं हूँ। हाँ, मियाँ जी के भांजे भांजी आए हैं बहुत सारे। तो अब दिन का आगाज हुआ है। कल आधे लोगों को बुलावा हम देने चले गए थे। मैं गई थी, इतने शौक से गई थी, बस मेरे सास के मुंह से निकलने की देर थी कि बुलावा देके आना है। मैं सबसे आगे थी और पूरे मोहल्ले में जो है 7-8 घरों में बस हम देखे हैं। रात का टाइम था, बाकी मियाँ जी जाएंगे, है ना? मियाँ जी जाएंगे। हाँ, मियाँ जी के साथ जाऊंगी ना मैं। मियाँ जी थीसिस भी देने जाने। उठ जाओ बेटा, थीसिस भी देने जाना है। वो बाइंडिंग करके फिर देर से देंगे। थीसिस देनी है उन्हें और चुम्बल के पानी बचाए। और उसके बाद क्या करना है, मुझे अभी नाश्ता बनाना नहीं है, नाश्ता करना है। आप लगा दे। ये मेरा कप, ये मियाँ जी का नाश्ता। प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पर। वो आए हुए हैं, अपने साथ छोटा भी लाए हुए हैं काम के लिए। बड़े भाई और छोटे भाई लगे हुए हैं। गर्मी तो नहीं लग रही? तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पूरे मुल्क में गर्मी है। यहाँ नहीं लगेगा ऐसी। यहाँ स्टेज, यहाँ बैठेंगे, बन रहा है अभी। बहुत जद्दोजहद के बाद फाइनली मिल गया जो ढूंढ रहे थे। मजे से बैठी हुई है। अच्छा चलो, ये मजे आप कर लो। ये जी मैं कह रही थी अम्मी टेक लगा के बैठेंगी ना, ये गद्दा वहाँ लगा दो। सही है, लोग ये नहीं बोलेंगे हमें चेयर पे नहीं बिठाया। नहीं बोलेंगे, जिसके नसीब में जो चेयर आई उठा लो। अच्छा उठा रही है।